अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम करता हूँ हमारे फाइवर स्मार्ट कोर्स की एक और नई क्लास में। सो आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम पेओनीर का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। और पेओनीर एक बैंक है, इंटरनेशनल बैंक, जिसके थ्रू हम फाइवर की जो ट्रांजेक्शन हैं वो पेओनीर में निकालते हैं और वहाँ से हम जेज कैश या बैंक में विथड्रॉवल लेते हैं। बहरहाल वो पेमेंट मेथड्स वगैरह हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हम पेओनीर का अकाउंट बेसिकली क्रिएट करना सीख रहे हैं। तो आपने पेओनीर स्लैश अकाउंट्स यहाँ पे लिख लेना है और उनको ओपन कर लेना है। तो आप जैसे ही ओपन कर लेंगे, यहाँ पर आपके पास 5 ऑप्शन शो हो रहे हैं और आपने इनमें से यहाँ से फ्रीलांसर सर्विस प्रोवाइडर को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आप फ्रीलांसर हैं। उसके बाद आप इनको बताएंगे कि मैं इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट वगैरह लूँगा, तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछ रहा है आप कितने डॉलर्स अंदाजे में कमाते हैं अभी। तो अभी आप जो स्टार्टिंग में कहता हूँ $10,000 काफ़ी है, तो अंदाज़ा लगा लें। और उसके बाद रजिस्टर कर दें, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपसे डिटेल पूछेगा। और यहाँ पर आपने कंपनी नहीं करना, अगर आपकी कोई एजेंसी वगैरह है तो फिर ठीक है, अदरवाइज अगर आप एक सिंगल फ्रीलांसर हो, खुद आप सिर्फ फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक कर दें और यहाँ पर अपना नाम लिख दें, जो आपका नाम हो। मैं एक स्टूडेंट का अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी क्रिएट है, तो मैं उनका नाम लिखूँगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और अब आपसे पूछ रहा है आपकी डिटेल्स, सो आपकी स्ट्रीट एंड नंबर क्या है। यहाँ पर नंबर लिखने के बाद मैं इसका वेरिफिकेशन कोड जो है सेंड कर दूंगा अपने नंबर पे, और जैसे कोड आएगा तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। मैंने जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद हमसे ये पासवर्ड वगैरह मांगेगा, तो मैं अपना पासवर्ड सेट कर देंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप डालते हैं कि आप अगर अकाउंट आपका फॉर एग्जांपल हैक हो जाए, पासवर्ड चेंज हो जाए या पासवर्ड भूल जाओ, तो किस सूरत में आप उसको वापस कर सकते हो। आप कोई भी एक सवाल सिलेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो उनमें से। सो इसमें अब सवाल डिफरेंट सवाल हैं, तो मैं ये क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आपके कंट्री, जो भी कंट्री होगी उसकी डिटेल्स मांगेगा पेओनीर। तो आपने यहाँ पर अपनी नेशनल आईडी सिलेक्ट करनी है। आप नेशनल आईडी के अलावा भी कुछ चीज़ें, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट सिलेक्ट कर सकते हो। आपने नेशनल आईडी का यहाँ पर नंबर लिख देना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखें, मतलब आपकी जो लोकल लैंग्वेज है। अब हमारी लोकल लैंग्वेज जो होती है वो है उर्दू, तो आपने उर्दू में नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, और तो आप देखें यहाँ पर गूगल ट्रांसलेटर से मैंने इसको लिखा और हमें ये उर्दू में मिल गया। तो आपको पहला नाम जो आपका है वो कॉपी करना है इधर से, और उसके बाद आपका जो लास्ट नेम है वो आपने कॉपी कर लेना है, और जो आपको पिक्चर में नीचे कोड दिख रहा है अब वो आपने लगा देना है, कैप्चा कोड। और उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपको ऑलमोस्ट डन का शो हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसमें अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो ठीक है, वरना जेएस कैश का आप एक फेक आईबीएन बना के और जेएस कैश बैंक का नाम लिख दें और आप उसको बैंक अकाउंट के बिना भी बाईपास कर सकते हैं और उसको आगे हम लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास बैंक अकाउंट डिटेल है तो बेहतर है कि आप कोई भी बैंक का नाम लिख के उसको लिंक कर दें, और उसके बाद यहाँ पर एग्री पे क्लिक कर दें और उसको सबमिट कर दें। अच्छा, मैंने यहाँ पर इसकी डिटेल डाल दी है, और जैसे ही मैं डन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास एक एरर शो हो रहा है जो कि जनरल एरर 2009, ठीक है, ये मतलब आ रहा है 2009। तो ये इनका एक एरर कोड है, और जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो ये बता रहे हैं इनकी अपनी वेबसाइट पे, आप किसी ने यही सवाल पूछा है कि जब मैं अकाउंट क्रिएट करने आ रहा हूँ तो मुझे पूरी डेटा फिल आउट करने के बाद ये एरर आ रहा है। तो ये अगर एरर आपको भी आता है तो ये कह रहे हैं कि देखें हमारी टीम ने इसको फिक्स कर दिया है, फिर भी अगर आप ये कोई मसला ऐसा फेस कर रहे हैं तो आप पेओनीर की कस्टमर सपोर्ट से बात कर लें। तो मैंने आपको अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस बता दिया है, जो सिर्फ डन पे क्लिक करेंगे, जिनके पास एरर नहीं आया तो डायरेक्ट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और जिनके पास एरर अगर आ जाए तो ये एरर अभी चल रहा है, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे अभी खुद ही कहा हुआ है 2021 में फरवरी में, आप देख सकते हैं इन्होंने जवाब भी दिया हुआ है अपनी वेबसाइट का, इनका आर्टिकल है। सो बहरहाल आपने इसमें इनको फिर कस्टमर सपोर्ट से कस्टमर सपोर्ट से बात करनी है और उनको आपको ये इशू बताना है, तो वो आपका अकाउंट फिर आगे बढ़ा देंगे, मूव कर देंगे, इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। आगे मैं आपको कस्टमर सपोर्ट से रब्ता करने का भी सिखाने वाला हूँ। सो बहरहाल ये था अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस। मेरा था कि मैं आपको पूरा ही अकाउंट क्रिएट करके ओपन करके दिखाऊँ,
पर ये जो इशू आ गया है तो उस वजह से हम इसको वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, और ये बेसिकली प्रोसेस कंप्लीट है। जस्ट आपको आगे अब अकाउंट का ये अगर एरर आता भी है तो आपने सिर्फ कस्टमर सपोर्ट से बात करनी है। हमें उम्मीद है कि आपको पेओनीर पे अकाउंट बनाना आ गया होगा और आप भी अकाउंट बनेगा। आप फिर भी कोई इशू आता है तो मुझसे आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक और क्लास के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।